हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, साल्ट एनालिसिस। इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बोल सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग साल्ट एनालिसिस का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, साल्ट एनालिसिस जो है ये एक प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो साल्ट एनालिसिस को हम लोग पूरा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप किसी लैब में गए और आपको एक पेपर पे कोई साल्ट का मिक्सचर दे दिया गया इस तरह से। ये मान लीजिए हमारा साल्ट का मिक्सचर है, ये हमारा जो है ये है मिक्सचर ऑफ साल्ट, और आपको बोला गया इसमें बताना है कि ये साल्ट किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, मतलब इसमें कैटायन क्या है और एनायन क्या है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें NaCl है तो आपको बताना है कि ये Na+ और Cl- से बना हुआ है, या इसमें Na+ और Cl- प्रेजेंट है। तो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आपको सॉल्ट का एक मिक्सचर दे दिया जाएगा। अब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का मतलब दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट, तीन चार इस तरह से होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में क्या पढ़ने वाले हैं, कि हमें अगर कोई सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया जाए तो उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है, ये हम लोग कैसे बताएंगे, यही हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सॉल्ट एनालिसिस। तो हमारा आज का टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस है। हम लोग पहले सॉल्ट एनालिसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम ए गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, जैसे ये सॉल्ट का कोई एक मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट हैं, तो इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, ये पहचानना ही क्या है, सॉल्ट एनालिसिस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ हमने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, तो इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl+ वाटर। लेकिन यहाँ वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा सारा डिस्कशन जो है वो सॉल्ट के ऊपर है। अब क्या है कि लैब में आपको यही सॉल्ट मान लेते हैं दे दिया गया है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये NaCl है, और आपको बोला गया कि इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल है ये बताना है। तो आपको तो इन शब्दों का ही मालूम नहीं कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे। इसलिए हम लोग पहले एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो सॉल्ट है इसमें देखिए एसिड से कौन सा पार्ट आया है, ये Cl- वाला पार्ट ये, और बेस से कौन सा पार्ट आया है, ये Na+ वाला पार्ट। तो किसी भी सॉल्ट में जैसे यहाँ पे Na+ Cl- ही है, ये कैटायन वाला जो पार्ट है ना ये हमेशा बेस से आएगा, इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और ये एनायन वाला जो पार्ट है ना, ये एनायन ये हमेशा एसिड से आता है, इसीलिए इसको एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। और इसको याद रखना बेहद आसान है, ए से एनायन, ए से एसिड। तो एनायन जो है वो एसिडिक रेडिकल होता है क्योंकि एनायनिक पार्ट हमेशा एसिड से आता है और सॉल्ट का कैटायनिक पार्ट हमेशा बेस से आता है, इसलिए कैटायन जो होगा उसको हम लोग बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और एनायन को एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कैटायन कम्स फ्रॉम बेस। यहाँ पे देखिए कैटायन जो है वो बेस से आया है, एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। यहाँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एनायन जो है वो एसिड से आया है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, सो कैटायन इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड एनायन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये सॉल्ट है, अब हम ये समझ चुके हैं कि सॉल्ट से एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पता करना है, मतलब एनायन और कैटायन पता करना है। लेकिन अब डाउट ये है कि पहले कैटायन को पता करें कि कौन सा कैटायन है, या पहले एनायन को पता करें, या पहले किसी को भी पता कर सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यही बातें कि पहले कैटायन को पता करें या एनायन को पता करें या किसी को भी पता कर सकते हैं, ये क्या मामला है, ये हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं।
तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एट फर्स्ट परफॉर्म एनालिसिस ऑफ एनायन बिकॉज देयर आर सम इंटरफेयरिंग एनायंस या एसिडिक रेडिकल, एनायंस को हम लोग एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं, व्हिच इंटरफेयर द टेस्ट ऑफ ग्रुप थ्री कैटायंस एंड डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या है ये समझिए, पहले तो ये समझिए कि जितने भी कैटायंस है ना, कैटायंस, इनको कुछ ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया गया है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कितने ग्रुप हैं और कौन कौन से कैटायन किस ग्रुप में, बस आप यहाँ इतना समझिए कि इसको कुछ ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया गया है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ग्रुप थ्री कैटायंस एंड डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे है कि आपको एनायंस का टेस्ट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे एनायंस हैं जो अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर करेंगे और कैटायंस का सही टेस्ट नहीं मिल पाएगा हमें। तो इसलिए पहले हम लोग एनायंस का टेस्ट करेंगे, और कुछ इंटरफेयरिंग एनायंस हैं, अगर वो एनायंस मिल गए जो कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं तो उनको हम लोग हटा देंगे ताकि वो कैटायन के टेस्ट को डिस्टर्ब ना करें। तो अब इंटरफेयरिंग एनायंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंटरफेयरिंग एनायंस, इनका लिस्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे है फ्लोराइड एफ माइनस, उसके बाद यहाँ पे है ऑक्सीलेट सी टू ओ फोर टू माइनस, उसके बाद है बोरेट बी ओ थ्री थ्री माइनस, उसके बाद है फॉस्फेट पी ओ फोर थ्री माइनस, उसके बाद है सिलिकेट एस आई ओ फोर फोर माइनस, उसके बाद है आर्सेनेट ए एस ओ फोर थ्री माइनस। तो ये सारे एनायंस जो हैं ये इंटरफेयरिंग एनायंस हैं। मतलब ये कि हम लोग पहले एनायंस का टेस्ट करेंगे, और एनायंस के टेस्ट में अगर फ्लोरीन ऑक्सीलेट बोरेट फॉस्फेट सिलिकेट या फिर आर्सेनेट इनमें से कोई भी एनायन मिलता है तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये उसमें रह गए तो ये फिर कैटायंस के टेस्ट को डिस्टर्ब कर देंगे और सही कैटायन हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो यही रीज़न है कि हम लोग एनायन का टेस्ट जो है वो पहले परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोग एनायंस का टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग कैटायन का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि किनका टेस्ट पहले परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि एनायन का टेस्ट करेंगे कैसे, ये तो ऑर्डर की बात हुई ना कि पहले एनायंस को टेस्ट करेंगे फिर कैटायन को टेस्ट करेंगे, लेकिन एनायन का टेस्ट करेंगे कैसे, मतलब मुद्दे की बात जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए अब जो हमारा टॉपिक है हाउ, ये तो पता चल गया कि पहले एनायन का टेस्ट करेंगे लेकिन कैसे। तो अब देखिए एनायन के टेस्ट में दिक्कत क्या है ना कि कैटायन जो है ना, कैटायन उनको कुछ पार्ट में क्लासिफाई कर लिया गया। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आइडिया दिया था बस कि कैटायन को क्लासिफाई किया गया है। ये इसीलिए क्लासिफाई किया गया है ना ताकि इनका टेस्टिंग जो है वो आसान हो जाए। तो इस तरह से कुछ क्लियर कट क्लासिफिकेशन जो है वो एनायन का नहीं है। अब कैटायन का क्या क्लासिफिकेशन है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब कैटायन के टेस्टिंग पे आएंगे। अभी बस इतना समझिए कि कैटायन को कुछ पार्ट में क्लासिफाई कर लिया गया है, कुछ ग्रुप में, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ऐसे करके। तो इस तरह से एनायन का कोई सिस्टमेटिक क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन एनायंस को वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी के आधार पर दो भाग में बांट लिया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट दैट सिस्टमेटिक एज दैट ऑफ कैटायन, हाउएवर देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी हेल्प्स अस इन क्लासिफाई देम इन टू पार्ट्स। अब इतना सा जो पार्ट है कि देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी हेल्प्स अस इन क्लासिफाई देम इन टू पार्ट, ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब अभी हम लोग समझते हैं। जैसे ये देखिए हमारा एनायन है और इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, क्लास ए और क्लास बी यहाँ पे बोल देते हैं हम। तो क्लास ए में वैसे एनायंस को रखा गया है दो एनायंस विच फॉर्म्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ एसिड, मतलब इस क्लास में ऐसे एनायंस होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे होंगे। वहीं क्लास बी में ऐसे एनायन होंगे जो डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना रहे होंगे, लेकिन बट आइडेंटिफाइड बाई देयर रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि H2O में उनके रिएक्शन से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस पर हम लोग बाद में आते हैं H2O में क्या होगा। पहले तो ये समझिए कि एनायंस का दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है, वैसे एनायंस जो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको क्लास ए में रखा गया, और वैसे एनायंस जो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं उनको क्लास बी में रखा गया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आया,
जब हम लोग एसिड डाल के एनायन चेक करने गए कि ये वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाता है या नहीं, तो वहाँ पे दिक्कत ये आ गया कि हमारे पास दो प्रकार का एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड। तो दिक्कत ये आ गया यहाँ पे कौन सा एसिड डाल के चेक किया जाए कि एनायन वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं। तो फिर उस बेसिस पे इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया। तो इसको बोल देते हैं सब ग्रुप वन और इसको बोलते हैं सब ग्रुप टू। ये एस जी जो है ये सब ग्रुप वन है, ये सब ग्रुप टू है। तो सब ग्रुप वन में वैसे एनायंस आए जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं, और सब ग्रुप टू में ऐसे एनायन आए जो कॉन्क H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कौन कौन से एनायंस हैं और इसमें कौन कौन से एनायंस हैं, इनका लिस्ट और क्या क्या वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस क्लासिफिकेशन का आइडिया दे रहा हूँ। अब जो क्लास बी वाले एनायंस थे जो कि एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो उनको कैसे पहचानेंगे, तो उनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन में लेने के बाद ये दो तरह का रिएक्शन शो करेंगे। एक प्रिसिपिटेशन शो कर सकते हैं या फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे भी इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया गया, सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू। तो यहाँ पे भी सब ग्रुप वन में कौन कौन से आते हैं और क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं, और यहाँ पे सब ग्रुप टू में कौन कौन से आते हैं और कैसा रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए उसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और होपफुली आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग जल्दी से समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट एनालिसिस जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस का डिफिनेशन देखा कि सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग सॉल्ट के मिक्सचर में कौन कौन से कैटायन या कौन कौन से बेसिक रेडिकल या एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट हैं, ये हम लोग पहचानते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि पहले किसका टेस्ट करेंगे, एसिडिक रेडिकल का या बेसिक रेडिकल का। तो फिर हमें पता चला कि पहले हमें एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना है, क्योंकि एसिडिक रेडिकल जो होते हैं वो इंटरफेयरिंग होते हैं, वो ग्रुप थ्री या ग्रुप फोर वाले कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पहले एनायंस का टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग देखें कि उनका टेस्ट कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं उसमें हम लोगों ने एनायंस का मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देखा। अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं देखा है कि सब ग्रुप वन में कौन कौन से एनायन है, टू में कौन कौन से हैं, फिर क्लास बी के सब ग्रुप्स में कौन कौन से एनायन है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।